हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाद बहुत दिनों के बाद मैं एक्चुअली कुछ चार्ट के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहा था। बहुत दिन के बाद भी वो कुछ प्लेटफॉर्म में भी चेक किया था कि कौन सा स्टॉक एक्चुअली क्या ट्रेड मूवमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत दिन मैं थोड़ा मंथ एंड का फिनेंशियल का जो प्रेशर है उसके लिए थोड़ा बहुत बिजी था। उसके बाद फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करूँ। तो आज का जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें मैं कुछ नया कुछ ढूंढ पा रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक कैसे ट्रेड करे। बहुत सारे क्वेरीज मेरे दोस्तों के साथ आया है, जिसमें यही पूछ रहा कि एक्चुअली मैं इंट्राडे ट्रेड कैसे करता हूँ और इतने शॉर्ट टाइम में मैं इंट्राडे ट्रेड में कैसे छोटा मोटा बुक कर लेता हूँ। मैंने कुछ आसानी वाला कुछ स्टेप बहुत सारे वीडियो में मैंने पोस्ट किया था, तो उन लोगों ने बोला कि इस वोलेटाइल मार्केट में मैं कैसे उससे अच्छा एक ट्रेड मार सकूं एंड कैसे उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकूं। तो इस बारे में आज थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। एंड मेरे जो चैनल है उस चैनल में बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, तो अगर आप चैनल में नए हो एंड फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को मस्ट आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे नेक्स्ट वाला कुछ वीडियो कुछ सेशन लर्निंग सेशन वगैरह कुछ भी रहेगा तो आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो से। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो जो भी है ये लर्निंग पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई ऐसे कुछ फेक वगैरह कुछ नहीं है। मेरे खुद का रिसर्च है, खुद का एक्सपीरियंस है, वही मैं शेयर करूँगा और कुछ ज़्यादा एज ए इमेजिनेशन भी कुछ मैं ट्रेड और कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं करता। तो जो भी मैं सजेस्ट करूँगा वो अगर आप थोड़े ध्यान से ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा श्योर। तो बिना देर करके स्टार्ट करते हैं आज का जो लर्निंग सेशन। चलिए आज का जो लर्निंग सेशन है वो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं एंड देन अदर्स जो भी इक्विटी स्टॉक है उससे, एंड देन मैं चाहूँगा कि एक लाइव सेशन जो MCX में चल रहा है तो वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि MCX में भी अभी कुछ ट्रेड जो भी है कि नहीं, एंड आने वाले दिनों में कुछ ट्रेंड कैसा रहेगा कुछ स्पेसिफिक MCX का स्टॉक। चलिए डेस्कटॉप में चलते हैं, क्या है और क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों का फर्स्ट स्क्रिप्ट है वो निफ्टी का इंडेक्स पे ही मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि कैसे एक्चुअली ट्रेड होना चाहिए था और कैसे ट्रेड हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे। तो पहले जो मैं एक्चुअली चार्ट ओपन कर रहा हूँ ये एक्चुअली निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, मार्च का एक्चुअली चार्ट है। तो इस चार्ट में आप देख पा रहे हो कि मैं जो टाइम फ्रेम सेट कर रहा हूँ ये 3 मिनट का चार्ट है एंड 5 और 10 दिन का एक कैंडल स्टिक है विथ RSI है, नीचे कुछ वॉल्यूम का एक पॉइंट भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी एक दिन पहले बहुत ज़्यादा गिर गया था एंड आज भी गैप डाउन ओपनिंग में खुला है, जो मैं अभी खुल के मुझे पता चला। तो क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से हम हर टाइम एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, इसमें 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर का चार्ट। तो मुझे पहले ही एक बार बोल दिया था ऑलरेडी कि जो टाइम फ्रेम है उसका शॉर्ट पे पकड़ के चलिए, क्योंकि 3 मिनट का अगर टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल 3 मिनट का टाइम फ्रेम से बनते हैं। तो आपको एक 3 मिनट का चार्ट जो आप देख रहे हो, जो टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो उसमें आपका नेक्स्ट 5 to 4 कैंडल में उसका रिजल्ट आ जाएगा और मैक्स टू मैक्स 10 कैंडल में आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको 10 कैंडल्स मीन्स 3 मिनट का जो कैंडल है मतलब आपको 20 to 30 मिनट आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। उसमें स्टॉप लॉस भी हो सकता है एंड आपको टारगेट भी हो सकता है। तो मैं हर वक्त बोलता हूँ कि आप एक छोटा टाइम फ्रेम यूज करो एंड छोटा छोटा टाइम फ्रेम आपको ज़्यादा परेशानी ना होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ ट्रेड कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है इसमें ज़्यादा इफेक्ट ट्रेड से पड़ता है आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो स्ट्रेटजी और जो भी है हम लोग जब भी एक्चुअली मार्केट में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को गड़बड़ी आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन आप बोल सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि कब मेरा टारगेट और जो भी है हम लोग कब मैं बुक करूँगा। तो स्टॉप लॉस भी हो सकता है, वो टारगेट भी हो सकता है। तो जितना टाइम लगाएगा उतना टाइम हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है, प्रैक्टिकली होता है। जो भी बंदा बोलता है कि एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, मेरे ख्याल से वो गलत बात है, क्योंकि हर ट्रेडर को एक फ्रस्ट्रेशन आता है एंड ये फ्रस्ट्रेशन कभी कभी ट्रेड में भी एक्चुअली इफेक्ट करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि छोटा आप टाइम फ्रेम लो, उसमें छोटा बुक करो एंड रिलैक्स उस दिन के लिए। मेरे ख्याल से एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग, मेरे ख्याल से रिलैक्सेशन आएगा। नेक्स्ट डे में भी एक पॉजिटिवनेस आएगा आपका नेक्स्ट जो ट्रेड आप एक्सिक्यूट कर रहे हो। तो मैं ज़्यादा एक्चुअली बोर नहीं करूँगा, शायद आप लोगों को ऐसे कुछ डायलॉग लग रहा है। अगर आप ट्रेडर हो, एक्चुअल चार्ट देख के आप ट्रेड करते हो और कोई आपको देता है तो उसके हिसाब से आप जो ट्रेड करते हो उसके बाद ही आप लोगों को थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर मैं आपका दिल के बात आगे सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले ऐसी कुछ फ्रस्ट्रेशन मुझे भी आता है, अभी भी आता है। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस आ गया एक ट्रेड में। तो जो मेरा जो निफ्टी ट्रेडिंग है उसमें मैं चला जाता हूँ। निफ्टी ट्रेडिंग में आप देख पा रहे हो कि कुछ दिन पहले से कुछ चार्ट है, ये मैं छोटा टाइम फ्रेम में लिया हूँ, ये कुछ बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं मेरा जो स्पेशलिटी है और मैं जो सिस्टम जो प्लेटफॉर्म इजी प्लेटफॉर्म मुझे ज़्यादा पसंद है वो है RSI एंड उसका डाइवर्सिटी और डाइवर्जेंसी जो भी होता है। तो आप देख पा रहे हो कि एक डाइवर्जेंसी, बड़ा डाइवर्जेंसी आया था एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी दे चुका है ऑलरेडी। मैं अगर ऐसे कुछ लाइन पकड़ के चलूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड अप ट्रेंड एज यूजल आप देख सकते हो। एंड अगर यहाँ से मैं यह भी पकड़ के चलूँ तो थोड़ा छोटा पकड़ देता हूँ, यह से अप ट्रेंड है मगर यह से यह तक एक डाउनग्रेड दिखा रहा है ऑलरेडी। तो ये शायद सबसे बड़ा एंड लॉन्ग डाइवर्सिटी हो सकता है एंड इट्स हैपन ऑलरेडी। तो मैं इतना बड़ा नहीं पकड़ के चल रहा हूँ, मैं छोटा मोटा कुछ ट्रेड छोटा मोटा कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ आप लोगों को छोटा मोटा चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये जो लाइन है इस लाइन को हटा देता हूँ, इस लाइन को भी हटा देता हूँ एंड देन आई विल गो फॉर एक छोटा डाइवर्सिटी। ये देखो ट्रेंड चेंज हो गया, उसमें हम लोगों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया था। एंड अगर मैं पहले जो ट्रेंड एक्चुअली डिलीट कर दिया था ये वाला, अब आप देख पा रहे हो कि कैंडल में जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव टॉप टच किया है, मगर RSI में वो नेगेटिव टॉप कनेक्टेड हो चुका है ऑलरेडी। और RSI में दे चुका हूँ क्लोजिंग बेसिस स्पॉटिंग जो रेगुलर मार्केट में रहता है। And the result is, you know very well, the result is very much negative, I think, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट आ गया था ऑलरेडी। उसके बाद एक छोटा मोटा ट्रेंड मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड था ये ट्रेंड एक फ्लैट ट्रेंड था। एंड ऑफकोर्स एक नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता था, क्योंकि फ्लैट अगर मैं थोड़ा बहुत क्लोज सेटअप से मैं देखूँ तो एक बार नेगेटिव कैंडल का बॉटम में ट्रेंड हुआ था, मगर ये जो ट्रेंड हुआ है RSI में ये एक्चुअली पॉजिटिव ट्रेंड में हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था ऑलरेडी। तो इसमें से थोड़ा बहुत बाउंस मिला, जो बाउंस मिला वो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी था। ये काफ़ी था मतलब ये जो ट्रेंड होना चाहिए एक्चुअली, ये जो एक्चुअली ट्रेंड होना चाहिए उसमें उसका हिसाब से ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा था। अब अगर इस क्लोजिंग बेस चार्ट पे देखोगे तो इस कैंडल का इस टाइम क्लोजिंग था 11,506। एंड द ट्रेंड इज, अगर इस लेवल पे भी चलो तो 11,520-30 के आसपास, उसके बाद 40-50 कुछ शायद गया था। तो आपका 11,504 के डिफरेंस में 11,040, ये मतलब 30 पॉइंट्स, आई थिंक ये 10 to 12 कैंडल्स में आई थिंक 30 पॉइंट्स इज द बेस्ट रिवॉर्ड आई थिंक, क्योंकि एक लॉट में अगर कुछ आप 30 मिनट्स में कुछ 30 मिनट्स का 20 to 30 पॉइंट्स का आपको मिल रहा है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। एंड स्टॉप लॉस होना हो सकता था, क्योंकि इसका जो लेवल था इसका लेवल से अगर ब्रेक किया और RSI अगर इसके हिसाब से टूट गया होता तो आप वो ट्रेड एग्जिट कर सकते थे ऑलरेडी। तो दिस इज द स्मॉल एंड स्टेडी एक ट्रेंड जो 3 मिनट में हर वक्त मैं प्रेफर करता हूँ। एक कुछ छोटा मोटा ट्रेडिंग है जो ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव दिखा रहा है। एंड ये जो ट्रेंड था ये लोअर ट्रेंड था, तो उसमें से मैंने एक चार्ट डाला एंड छोटा मोटा एक ट्रेड हुआ है। अगर मैं इस टाइम कुछ परचेज़ किया एंड देन नेक्स्ट टाइम या फिर फिर से टाच मारा एंड परचेज़ किया तो मेरे ख्याल से मैं एक छोटा मोटा 10 to 12 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर सकता था अगर मैं एवरेज भी परचेज। तो मगर आज का जो फ्लैट सेशन था बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका है, शायद मेरे ख्याल से कोई भी अगर ट्रेड करे। तो ये था आज का निफ्टी सेशन। कुछ ट्रेड मैं DLA पे भी क्रॉस चेक किया हूँ, तो DLA पे भी एक बार पॉजिटिव ट्रेंड मुझे कुछ मिला था, क्योंकि ये वाला नेगेटिव ट्रेंड था, उसके बाद ये वाला से एक पॉजिटिव RSI था। तो अगर मैं ऐसे कुछ प्लेस में परचेज करता जहाँ RSI एक्चुअली लोअर डिविजन में था तो वो 88, 80 और 90 के आसपास मेरा ट्रेड हो सकता था। एंड जो हाई मारा था वो 190.15। मतलब फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो एक लट में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है, एंड कैश में भी ट्रेड कर रहे हो तो कुछ भी आपको एज पर क्वान्टिटी आपको वो बेनिफिट मिल सकता था। टाटा स्टील में भी छोटा मोटा कुछ ट्रेड मैं देखा और ऐसे कुछ वोलेटिलिटी नहीं था, तब भी मुझे लगा कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एक गैप डाउन खुलने से जो ट्रेंड होता है उसमें ट्रेंड से थोड़ा बहुत एक रिकवरी सेशन आया था। एंड ऐसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे टाटा स्टील से नहीं मिला था। ग्रुप में अगर मैं ट्रेड करूँ तो ट्रेड देखूँ तो इसमें लाइव सेशन में ट्रेड ऑलरेडी हो रहा है। मेरा बहुत दिनों के बाद मैं ग्रुप में कुछ ट्रेड भी कर चुका हूँ ऑलरेडी, मगर ये अभी तक ओनली सेल और बाई ऑर्डर में कुछ एग्जीक्यूट हुआ है। मैं आपको ऑर्डर दिखा सकता हूँ क्योंकि छोटा मोटा कुछ ट्रेडर हो। तो मेरा जो फास्ट जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो है 4081 में कुछ सेल मारा हो, इसका जो स्टॉप लॉस है वो अब मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी 4095। मैं उसका एक छोटा मोटा क्रॉस चेक कर रहा हूँ, इसका हाई दिखा है 4089। आप लेफ्ट साइड में वो देख सकते हो कि 4089 इसका हाई है। उसके हिसाब से मैं 6 पॉइंट के ऊपर एक स्टॉप लॉस डाला हूँ। एंड द रीज़न इज वाई I sold the crude at this point। मैं छोटा मोटा एक डाइवर्सिटी में डाल सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मैं ट्रेड ऐसे ही करता हूँ छोटा मोटा मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ये देखिए एक छोटा मोटा ट्रेंड है जो डाइवर्सिटी ऑलरेडी दिखाया है क्रूड में, जिसका डाइवर्सिटी ऑलरेडी दिखाया था 88 में। मैं ट्रेड थोड़ा कॉन्फर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद 81 में मैंने सेल किया, तो अभी 78 है, तो 2-3 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। मैं कोशिश करूँगा इसका जो लेवल है, लोअर लेवल है, वो अगर ब्रेक करे, मतलब इस जो लेवल आप देख पा रहे हो इस लेवल को मुझे ब्रेक करना है। अगर इस लेवल ब्रेक करके नीचे आया तो वो शायद एक 10 to 15 पॉइंट्स का मुझे एक मुनाफा दे देगा। देखते हैं कि एंड तक एक क्रूड से मैं क्या एक्चुअली ले सकता हूँ, मगर मुझे क्रूड से शायद मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा क्योंकि जो टाइम चल रहा है अभी 4:30 बजे है, तो शायद ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगा। इस टाइम क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहता है। आप देख पा रहे हो कि नीचे आफ्टर 3:30 इसका वॉल्यूम बहुत नीचे घट गया है। एंड ये 5-6 बजे के बाद फिर से एक बार वॉल्यूम आएगा, तो मार्केट तो चलता है रात भर, तो इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मैं स्टॉप लॉस भी प्रॉपरली ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो देखते हैं कि ग्रुप में आज बेनिफिट देता है कि नहीं। मैं छोटा मोटा ट्रेड करता हूँ, बड़ा ग्रुप में ट्रेड करता हूँ, मगर जो ट्रेड करता हूँ उसमें एक लॉजिक रहता है। ऐसे कुछ नहीं है ट्रेंड बढ़ रहा है तो मुझे सेल करना है, ट्रेंड नीचे आ रहा है तो मुझे बाई करना है, और एक ट्रेंड आ रहा है उसमें वो ट्रेंड में चलो, तो कुछ लॉजिक होना चाहिए, उसके बाद मैं एक्चुअली ट्रेड करता हूँ। तो ये था छोटा मोटा एक ट्रेडिंग सेशन और कुछ लेसन आप बोल सकते हो। मैं नेक्स्टली कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्ट ढूंढ के उसके हिसाब से कुछ आप लोगों को बोलो और स्पेसिफिक एक स्क्रिप्ट ढूंढ के उसके हिसाब से आपको आपका ट्रेंड जनरेट एंड एवरीथिंग जो भी होता है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि वो सेशन जल्दी स्टार्ट करें। बहुत दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यही जो है मेरे पास आज के लिए, मेरा एक्सप्रेशन यही था। मैं थोड़ा बहुत एक वीडियो बनाना चाहता था तो बना दिया। तो लास्टली मैं बोलता हूँ तो अगर मेरा चैनल में आप पहली बार हो तो थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड जो वीडियो है वो मस्ट आप शेयर करो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, फिर मिलेंगे, गुड नाइट।